आगामी लोकसभा को लेकर कांग्रेस की बैठक का आयोजन गांधी भवन मंडी में किया जा रहा है। बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिग्विजय शर्मा करेंगे। बैठक में आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बूथ कमेटियों का गठन, हिमाचल कांग्रेस कमेटी की प्रभारी रजनी अशोक पाटिल के मंडी जिला के दौरे से संबंधित, लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी के मजबूत वो जिताऊ प्रत्याशी के बारे में और आगामी लोकसभा चुनावों की रणनीति को बनाने के लिए इस बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। बैठक में पूर्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह, प्रकाश चौधरी, गत विधानसभा चुनावों में रहे कांग्रेस पार्टी के सभी अधिकृत प्रत्याशी, पूर्व चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, बोर्ड निगमों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी मंडी के सभी विभागाध्यक्ष व जिला कांग्रेस कमेटी के सभी सदस्य भी उपस्थित रहेंगे, ताकि आगामी लोकसभा चुनावों के लिए एक ठोस रणनीति तैयार की जा सके। 25 जून 2018 को सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी की आगामी बैठक यहाँ गांधी भवन में आयोजित की जाएगी। बैठक में पूर्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह जी, प्रकाश चौधरी जी और बोर्ड निगमों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो पूर्व सरकार में रहे हैं, सभी ब्लॉक प्रेसिडेंट और समस्त कार्यकारिणी के पदाधिकारी और इसमें जो हमारे फिल्टर ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं वो कार्यकारिणी के साथ इसमें उपस्थित रहेंगे। इस बैठक का जो मेन एजेंडा रहेगा वो रहेगा एक बूथ कमेटियों को, एक बूथ कमेटियों में जो युवाओं की भागीदारी है, महिलाओं की भागीदारी है, जो सक्रिय कार्यकर्ताओं की भागीदारी है उसको सुनिश्चित करना और आगामी जो हमारे प्रदेश के जो नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी है रजनी अशोक पाटिल जी, उनका जो मंडी का दौरा है इससे संबंधित इस बारे में चर्चा की जाएगी। और तीसरा जो हमारा जो 2019 का जो मिशन है लोकसभा का, इस संबंध में विचार विमर्श किया जाएगा और इसमें आम कार्यकर्ताओं की जो जिम्मेवारी है वो सुनिश्चित की जाएगी। इस बारे में इस बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा।